देश सारा एक है, हम सभी एक ही राष्ट्र है हमारा, वंदे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरे जगाने का जो काम करते हैं वो काबिले तारीफ है। आज थोड़ी सी उमस कम है और थोड़ा सा आज राहत, लेकिन कल तो बहुत ज्यादा गर्मी और उमस थी। बहुत बहुत शुक्रिया जो आज शो में शरीक होने के लिए आए हैं पहली बार, उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो शो में आते रहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज तो लखनऊ से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे तशरीफ रखा है उन्होंने, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? भागलपुर से। है बहुत बहुत। और आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, बिहार से आए हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन है। हुसैन, हुसैन भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आज खास कुछ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यकीन मानिए जब ये मैं बात कहता हूं तो इसको बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करिए, क्योंकि आम जनता के बीच में खड़ा होता हूं। आपके एक वोट की ताकत आपको मालूम है क्या है, और लोकतंत्र का मतलब दिख तो रही है। भैया दिखाओ इनको पहले, लोकतंत्र तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। हाँ भैया दिखा लो, किसको बता रहे थे? किसको? वाइफ को। लोकतंत्र तो ठीक है भाई, पत्नी को देखना बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए क्योंकि मुझे कहना पड़ता है, इसलिए मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूं कि आपको अपनी वोट की कीमत तो मालूम है, ताकत मालूम है, ये सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो आपका आपकी अपनी निजता भी है, आपका अपने अपना, हाँ हाँ, अपनी आजादी, और आप वो आजादी इतनी कोई वो पूछिए जो 1947 से पहले इस मुल्क में रहते रहे हो, उसके बाद आप रह रहे हो, उनसे पूछिए कि आजादी का मतलब क्या होता है। आप बड़ी आसानी से आते हैं, पानी पीते हैं, बोतल इसी जगह फेंक के चले जाते हैं। नहीं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इंदौर वाले, बहुत बहुत बढ़िया शहर आपका, बहुत सुंदर है। और आज इंजीनियर्स डे भी है, विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। बिल्कुल सही उच्चारण किया ना मैंने, विश्वेश्वरैया का जन्मदिन भी है आज आप, और उसका उनका जन्मदिन है भारत रत्न, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, है ना जी? मैं खुद भी इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मेहमान हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराता हूँ। आज हमारे मित्र लखनऊ यूनिवर्सिटी के सखा सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राकेश सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है अभिषेक तिवारी, तभी ठीक है ना आज आपकी, क्या ढीली है? हाँ पूछना जरूरी है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज्योतिष की बड़ी जानकार हैं, और आजकल तो फुटबॉल की टीम भी सुना ज्योतिषियों से पूछ के सेलेक्ट की जा रही है ना? तो बहरहाल ये तो बात सच है कि लोग पूछते हैं कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा 24 में, तो ये लोग जानना चाहते हैं कि टिकट मिल जाए तो ज्योतिषी से पूछो, वो बताएगा कि सूर्य किस खाने में है, सूर्य अगर प्रबल है तो योग बनता है। बहरहाल ये सब नीति जी जाने। अजय अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी आज बहुत दिनों बाद आए हैं शो में, लगभग 1.5-2 महीना, कितने दिन हो गए? इसके मतलब काफी दिन हो गए होंगे, ज्यादा दिनों बाद आज आए हैं शो में,
और बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। विपक्ष ने कहा, टीएमसी के नेता ने कहा कि देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा है, या वो कहीं धरातल पे हैं या रसातल में हैं, और उन पर जो काबिज हैं वो इसका कहना कि एक तरह से कब्जे में है, ये उनका कहना। लेकिन आज लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा दिन है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात तौर के बाद बात की जा रही थी। मैं यहां से शो का शुरू करूंगा, विशेष सत्र तक जाऊंगा जिसका कि 18 तारीख से बुलाया गया है, वहां तक जाऊंगा, उसके एजेंडे पे जाऊंगा और फिर आगे की जो रूपरेखा तय होगी। जी, आप भी बड़े दिनों बाद आए, उम्मीद करता हूं फिर रहम करेंगे। जी, पहले यहां से कांग्रेस से शुरू करता हूं। जी जी, मैंने ये कहा कि लोकतंत्र पे उन्होंने कहा कि काबिज है, कब्जा है। क्या गलत कहा आप बताओ, लोकतंत्र तो छोड़ दीजिए, आप पर भी काबिज है। हमारे पर क्या कह रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं आप तो, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं, मैं तो बातचीत कर रहा हूं। देखिए, सच बात ये है, कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे। आगे आइए जी, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, फहमीदा रियाज का है कि है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है, इतने कुछ और यहाँ हो सकता है। जी, मैं आगे पूरा सुनने के लिए आया हूँ भाई। जी, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है, इतने कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, मैं ये जनता के लिए कह रहा हूँ कि पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा। तुम करनी अपनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मालूम है ये क्रांति के बीज कब उठाते हैं, खून में कब उबाल मारते हैं क्रांति के बीज? जब आप विपक्ष में होते हैं, और जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो बिल्कुल एकदम लपा लप मलाई आती है। मलाई पे बहुत असर है, क्या बात है गुरु जी, कहां से आना हुआ आपका? हाँ जी, शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन से। हाँ, गाजियाबाद से। जी, क्या नाम है आपका? देवदत्त शर्मा। देवदत्त शर्मा जी, क्या काम करते हैं? LIC में। LIC में है तो आप कुछ कहना चाहते हैं? 24 का चुनाव, और उन्होंने कहा कि आप विपक्ष यहां तक कहता कि मोदी जी आप चुनाव में नहीं आने वाली। आएंगे जी, मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे। कैसे काम कर रहे हैं वो? कौन सा काम? सारे काम कर रहे हैं, बताओ कौन सा नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, देखो उनसे जी मैं क्यों ना, मतलब वो मैं विदेश में कितना वो कर रहे हैं, मतलब कितने मैं यूक्रेन में फंस गए थे, छात्र फंस गए थे, तो कितने लेके आए थे, क्या बात कर रहे हो आप जो है? आराम से आराम से, परीक्षा ना लो, जनता की परीक्षा ना लो, वक्त आएगा 5 साल में तुम्हारी परीक्षा जनता लेगी। आ गया जी जनाब राकेश जी। नहीं, कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा किस लोकतांत्रिक संस्था पर कब्जा किया, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करने का। तो दिवा स्वप्न देखते हैं, रात में सोते हैं तो इनको लगता है कब्जा हो गया, सुबह उठते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कहते हैं नफरत फैल गई, और आखिरी में कश्मीर आखिरी यात्रा में पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि मैं कई लोगों से मिला लेकिन कहीं कोई नफरत नहीं। अरे 3000 किलोमीटर चलने की जरूरत क्या थी, कनॉट प्लेस आपके शो में आ जाते, पता चल जाता नफरत नहीं है। हाँ भाई हुसैन बोलो। सर, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आए थे चले जाइए, मेरे घर में 1.5 किलो दूध की खपत है, मैं आधा लीटर में काम चला रहा हूँ, जीरा खाना बंद कर दिया, जीरा खाना बंद कर दिया, बीच में टमाटर भी बंद कर दिया था, प्याज तो निर्मला जी पहले ही बोल चुके हैं कि छोड़ दो, कल को ये ना कहे कि आटा चावल नमक छोड़ दो। मोदी जी आप आए थे और आप चले जाइए, आप देश के लोगों के ऊपर रहम कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है, नहीं तो 435 रुपए पेट्रोल सिलेंडर कर दीजिए हम आपको वोट देंगे, डॉलर 40 रुपए कर दीजिए हम आपको वोट देंगे, और नमक 14 रुपए कर दीजिए हम आपको वोट देंगे, चीनी 22 रुपए कर दीजिए हम आपको वोट देंगे, आपकी मंत्री जो चूड़ी लेके घूम रही थी उन्होंने कहा था 13 रुपए देंगे, 13 नहीं आप 17 कर दीजिए, 20 कर दीजिए हम आपको वोट देंगे। उसका मजदूरी भी 150 कर दीजिए तब वोट देगा, अभी 600 रुपया मजदूरी है, उसका मजदूरी 150 कर दीजिए तब वोट देंगे।
हुसैन भाई, रुकिए भाई रुकिए, बिहार से रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, बिहार से या दिल्ली से? चुनाव कहीं से भी लड़ लूं। गजब गजब गजब, बहुत अच्छा। नहीं 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 नहीं, चुनाव तो कहीं से, और उसने आज लोकतांत्रिक दिवस है, उसने कहा कि ये मेरा अधिकार है, मैं देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल एकदम ऑन दी लाइन बोले हैं आप। जी जनाब आली, आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ बताइए। धन्यवाद। पहले चुपचाप रहिएगा, मैंने आपसे पहले अनुरोध कहा। जी पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और मेरे हुसैन भाई ने बहुत सारी बातें कही, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, चार शादी 40 बच्चे पैदा करने बंद कर दीजिए, उसके बाद पूरा देश ठीक है। इस देश के अंदर सब्सिडी पे बनना बंद कर दीजिए और देश को टैक्स देना शुरू कर दीजिए, इस देश की स्थिति अपने आप में ठीक होती जा रही है और ठीक होती जाएगी। और रही बात, अभी मेरे भाई पूछ रहे थे कि मोदी जी ने क्या कर दिया, अरे भैया जो आंख पे चश्मा लगा हुआ है ना, वो उतारो और देखो मोदी जी ने क्या कर दिया। 2014 में देश की अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियां जंक में डालने जा रही थी, आज विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, हमारे देश की सीमाएं चाक चौबंद हो गई, हमारे देश के अंदर क्राइम रेट घट रहा है, हमारे देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा किस प्रकार से निवेश आया है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इनको नहीं पता। अरे सुन लो भैया, शांत रहो, इंडिया की बात मत करो, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, एक शब्द है इंडिया, अंग्रेजों द्वारा दिया गया। दूसरी चीज, मुझे आपके पूरे स्टेटमेंट में कहीं कोई दो राय नहीं लगी, आपका स्टेटमेंट अच्छा है, उधर सामने से जाओ, आप इधर आ जाओ, आपका स्टेटमेंट अच्छा है। देखो भाई हुसैन, रुको, नो 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 नो, हुसैन हुसैन चुनाव लड़ने वाले, एक मिनट रुकिए सर रुकिए, हुसैन 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 हुसैन, या तो तुम प्राण त्याग दोगे या मैं हुसैन हुसैन करता प्राण त्याग दूंगा। हुसैन चुप रहो, पहले चुप रहो। मुझे आपके पूरे बयान में सिर्फ एक ही बात आपत्तिजनक लगी, और वो थी चार शादियां और 40 बच्चे। हुसैन भगा दूंगा यहां से, बेवकूफ कहीं का, बेवकूफ कहीं का, ये कोई कोई गोदी मीडिया यहां पे हो रहा क्या? मुझे आपके बयान में सिर्फ एक ही कमी थी, और वो ये थी कि चार शादियां और 40 बच्चे। देश की आबादी, इस देश में जो सरकार पहले थी, जो सरकार अब है, उनको मालूम है इस देश की आबादी कितनी थी और कितनी है। पॉलिसी नीति आयोग सबको मालूम है, आपकी बात सही है, दुरुस्त है, मैंने आपको मान ली आपकी बात, लेकिन खाम खां का बयान वो मत दीजिए जिससे देश में हलचल पैदा होती हो। अरोड़ा जी एंड देन नीति जी, तू इधर उधर की बात मत कर, अरे अरे तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? महंगाई, आज महंगाई, प्रतीक जी महंगाई से ध्यान हट रहा है, जितने भी साथियां खड़े हैं मैं दावे से कह सकता हूँ एक एक व्यक्ति महंगाई की बात करेगा, महंगाई की, और महंगाई की महालूट, प्रतीक जी महंगाई की महालूट, 20 खड़गे जी ने क्या बोला आज, 20% भारत के लोग जो कि दूध, जैसे साथी ने बोला दूध सब्जी फल खरीद नहीं पा रहे, 20% लोग, हमें उनके लिए भी सोचना है, देश सबके लिए है, अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है देश में, जो 20% है हमें उनका भी ध्यान रखना है, ये भारत गुलदस्ता है जी, गुलदस्ता है। हाँ भाई, हाँ जी, यहाँ क्या क्या हल्ला काहे मचा इधर, कहाँ ध्यान हुआ सर? मैं आपको एक बात, आए कहाँ से? मध्य प्रदेश इंदौर जिला। इंदौर जिला, पहले तो जिले की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना सुंदर बना दिया इंदौर तुमने,
जय श्री राम। आशीर्वाद आपका चाहिए खाली? अरे हमें कहिए आशीर्वाद है, काम तुम करो, तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। हाँ जी बोलिए, कहाँ, क्या नाम आपका? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर आप ये लोग बोल रहे कि महंगाई है, कुछ महंगाई नहीं है, टमाटर आज 20 रुपए किलो बिक रहा है, और महंगाई होगी तब भी हम ले लेंगे, तनख्वाह तो बढ़ गई, और ये राजस्थान के अंदर पेट्रोल सबसे ज्यादा है, इनको महंगाई। क्या काम करते हैं शर्मा जी, काम क्या करते हैं आप? सर मैं अपना काम करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ क्या काम करते हैं? सर मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूर में आया, वहीं आया, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, बिल्कुल आऊंगा मैं, आऊंगा जरूर आऊंगा, और मैं लगातार दो दिन से बोल रहा हूँ, दो दिन से लगातार बोल रहा हूँ, आज भी बोलूंगा और कोटा पे भी बोलूंगा। जी जी सर, पूरा सुना नहीं आपने। अरे पूरा कैसे नहीं सुनेंगे, जब मैं हुसैन को पूरा सुन सकता हूँ तो मैं इनको भी सुनूंगा पूरा, हुसैन नहीं सुनेंगे तो आप कभी, वो अच्छा वो कल वाले। जी हाँ बोलिए शर्मा जी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व प्रधानमंत्री, आज विश्व के अंदर हमारे देश का नाम रोशन करने वाला प्रधानमंत्री, आज इन घुसपैठियों को, 26 घुसपैठियों को बुरा लग रहा है, मेरे देश का नाम रोशन कर दिया, भारत देश का, आज ये इंडिया का नाम, ये अंग्रेजों की देन है, ये अंग्रेजों की देन का नाम है, आज भारत देश पहले था, है और रहेगा। क्या बात है शर्मा जी, वाह बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि ये इंडिया नहीं भारत, बहस का मुद्दा वहीं पे है, मैं उसी जगह आता हूँ, मैं नीति आपको देता हूँ। जी ममता, स्वाति, आई एम सॉरी। जी अभी अरोरा जी बात कर रहे थे, 2014 में जब कांग्रेस ने गवर्नमेंट छोड़ी थी ना, उस समय महंगाई दर थी 8.33%, एनडीए की सरकार में सबसे ज्यादा प्रतिशत गया है 7.7, और वो भी यूक्रेन रूसिया युद्ध के समय, लास्ट ईयर जुलाई या अप्रैल में। इधर देखिए बोलिए, उनसे मतलब नहीं है, लास्ट ईयर अप्रैल में गया है 7.7%। ये रही महंगाई की बात। हमारे आरबीआई ने जो गाइडलाइन इशू की है, जो भारत को चलाता है, जिसमें इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए, वो होता है 2 से 6%, और एवरेज एनडीए गवर्नमेंट की रही है 5.5% पूरे 9.5 साल में। तो महंगाई कहाँ है अब ये मुझे बताएंगे। और एक बात, अभी जो एक साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, पूरे ग्लोबल रेट से 2% कम है भारत का महंगाई दर। जिस समय रूस पे बैन लगा हुआ था, कोई उसे तेल नहीं ले सकता है, भारत उस समय अमेरिका और रूस दोनों से तेल ले रहा था, जब सारे प्रतिबंध थे रूस पे, तब डिफेंस, जो डिफेंस के मामले में जो भी इनके डील्स हो रहे थे, रशिया से भी हो रहे थे और अमेरिका से हो रहे थे। तो ये है एनडीए सरकार और ये है महंगाई की स्थिति आज की। जी जी बिल्कुल उत्तर आप अरोड़ा जी देना चाहेंगे, अरोड़ा जी बिल्कुल उत्तर दीजिएगा। नमस्ते नमस्ते, आप ही से कर रहा हूँ, नमस्ते, क्या नाम है आपका? हाँ जी अख्तर अली। अख्तर अली कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर में। क्या काम करते हैं? मजदूरी। कहाँ करते हैं? दिल्ली में। कितने साल हो गए दिल्ली में? हाँ जी 10-15 साल हो गए अख्तर जी को, 15 साल हो गए गोरखपुर से यहाँ आके मजदूरी करते हुए। आगे महंगाई की बात चल रही है, पीछे अख्तर अली खड़े हैं और बड़े ध्यान से देख रहे थे आँख से ऐसे डाल के कि ये महंगाई की बात कर रहे हैं, सुनना चाहिए कि आखिर है महंगाई या नहीं। हाँ जी ये देख रहे थे कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रतीक जी के चैनल पे सब देख रही है दुनिया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। कौन लोग झूठ बोल रहे हैं? महंगाई को लेके ये जो अभी स्टेटमेंट, तो महंगाई है या नहीं? सर उस समय इन लोगों से पूछे इनकी सैलरी कितनी थी, केवल इतना पूछ लीजिए इनकी सैलरी कितनी थी, खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हमारी छोटी बहन ने महंगाई की बात की, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, कह रही महंगाई नहीं है। मैं तो बोलूंगा, हे महंगाई तू कहां से आई, तेरी क्यों मौत ना आई, ये होना चाहिए देश में, महंगाई समाप्त होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए। इन्होंने आंकड़ों की बात की, मेरी बहन ने इन्होंने आंकड़ों की बात की, ये गृहिणी है, सिलेंडर का क्या भाव था आज क्या कर दिया, और 200 रुपए की छूट दे दी, मेरी बहन जी ने 100 बढ़ा के 20 की छूट दे दी, तो ये कहाँ का न्याय है? मेरी बहन गृहिणी भी है, अगर इनकी क्षमता खरीदने की, खरीदारी की कितनी थी और अब कितनी है मेरी बहन बता दे, मैं मान लूंगा। डिबेट खत्म, डिबेट खत्म। नहीं नहीं डिबेट आप नहीं खत्म कर सकते, डिबेट तो हम ही खत्म कर सकते हैं। जी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जी, रुको भाई आ गया, अरे
डाटा वाले मेरे पास दो आंखें नहीं, चार चार आंखें हैं, मैंने देख लिया डाटा वाले, इधर देखो मेरी तरफ। जी आया जी भाई, आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सभी को शुभकामनाएं। और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, पूरे दुनिया में जिस नाम से हिंदुस्तान जाना जाता है, उसी लोकतंत्र को और फंगी ढांचे को बचाने के लिए पूरा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सारे लोग लामबंद हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपने विफलताओं को छुपाने के लिए सारे लोग एक साथ आ गए। बिल्कुल है, भले हरियाणा में आप अलग अलग नहीं लड़ेंगे, मैं उसी जा रहा हूँ। हमारे लिए आज सवाल है हिंदुस्तान की जो खूबसूरती उसको बचाने की है। हम चुनाव लड़ लेंगे, आज फिट बंटवारे का मसला नहीं है। प्रतीक भाई अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आज वन नेशन वन इलेक्शन का फिगुपा छोड़ा जा रहा है। आज इंडिया से भारत जो माता पैदा करती है उसी का नाम चेंज करके ऐसा नालायक बेटा भारतीय भारत का पैदा हो गया हिंदुस्तान के अंदर। क्या 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 कहते जा रहे हैं आप? ये इनके बौखलाहट है, ये प्रधानमंत्री जी के लिए पनिशमेंट के तौर पे खड़ा रखिए इसको। माफी मांगो, ऐसा गलत बात नहीं है। अपना तो बोलेंगे प्रधानमंत्री पर, ये कतई बर्दाश्त कहना चाहिए। मेरे देश में मोदी की लहर बड़ी भारी, मेरे देश में हर 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 एक बच्चा बोले। अभिषेक जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड यू हैव टू से सॉरी। आपको या तो सॉरी कहना पड़ेगा या तो फिर इस डिबेट को छोड़कर जाना होगा। प्रतीक भाई कभी कभी मुझसे गलती से निकलता है। मैंने क्या बोला उसको मैं क्लियरिफाई कर दूं, अगर मेरे लेट हिम जब आप मुझे क्लियर करने दीजिए, अगर मेरे शब्दों से किसी को भावना का हाथ हो। एक मिनट नाराज नहीं, ये आगे मैं सुने, लेट हिम कहना गलत है, हम भी छोड़ के जा रहे हैं डिबेट। नहीं, अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये वो आपका प्रवक्ता है, ये राजनीति विश्लेषक है। मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी का भावना हाथ करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आज अगर कोई माता पैदा करती है आपको, आप अपने माता का नाम चेंज करेंगे? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, इनको कैसे चेंज हो गए? किसका चरित्र आज देश देख रहे हैं, हमने क्या किया? अगर कोई माता आपको पैदा करती है आप उसका नाम चेंज करने पे क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है 2024 का चुनाव। एक मिनट अभिषेक मैं एक बात फिर से कहता हूं, आपको सॉरी कहना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिबेट आपको छोड़नी पड़ेगी। देखिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है अपने आप में एक संस्था होता है, वो हमारे घर का स्वीपर नहीं है कि आप जो चाहे सो बोल दें, चाहे किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो। अगर आपको आलोचना करना है तो पार्टी बीसीएस का करिए, पार्टी की नीतियों का करिए, लेकिन प्रधानमंत्री पर इतनी ऊंची टिप्पणी ये बहुत गलत बात है। आप पढ़े लिखे हैं, आप युवा हैं, आप मेरी बात सुनिए पूरी बात। मैं इसी मुखर्जी नगर में रहता हूँ, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पिछले 6.5 साल से सड़क टूटी हुई है, इनका कोई भी विधायक कोई भी आदमी इवन मोहल्ले वाले कम से कम पिछले 2 महीनों में कई बार धरने पे बैठ चुके हैं। इनका नजदीकी विधायक जो पांडे जी हैं वो देखने तक नहीं गए, ये इनके कार्य। मैं आपको डिबेट से बाहर कर दूंगा, चुपचाप खड़े रहिए। डिबेट सर मेरा फैसला बिल्कुल क्लियर है, अभिषेक यू हैव टू से सॉरी, अदरवाइज यू हैव टू लीव टुडे। जी एंड यू नो मी वेरी वेल, जी आई नो वेरी वेल, लेकिन मैं किस चीज का माफी मांगूं? मैंने किसी का ना तो नाम लिया, ना तो किसी का पद का नाम लिया, माफी मांगना क्या चीज का माफी? वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा।
और वो वार्ड वहीं कायम है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकियों की तलाश के लिए इजराइल से लिए गए हेरोइन ड्रोन की ली जा रही मदद। सेना ने 10 लाख के इनामी आतंकी उजैर खान को जंगलों में घेर रखा है। आतंकी उजैर पिछले साल जुलाई में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। पत्रकारों पर विपक्ष के गठबंधन का बड़ा फैसला। कई बड़े मीडिया समूह के 14 टीवी पत्रकारों के शो में अपने नेताओं को न भेजने का फैसला किया। एनबीडीए यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन ने भी विपक्षी गठबंधन के फैसले को लोकतंत्र विरोधी बताया। विपक्षी गठबंधन के फैसले की आपातकाल से तुलना की। विपक्षी गठबंधन के फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जानबूझकर मीडिया पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन के फैसले को घबराहट का नतीजा बताया। अनुराग ठाकुर के मुताबिक विपक्ष इमरजेंसी लगाकर मीडिया को कुचलने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन के फैसले को देश बचाने की कोशिश बताया। कांग्रेस ने पत्रकारों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्रालय 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में आयुष्मान भव्य अभियान चलाएगा। न्यूज 18 से बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हर जरूरतमंद तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाएंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने 2024 में होने वाले चुनाव पर बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि 2024 में पीएम मोदी के फिर लाल किले पर झंडा फहराएंगे। प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य का सनातन विरोधियों पर निशाना। रामभद्राचार्य ने आरोप लगाया साजिश के तहत सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा। उदयपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सनातन को खत्म करना चाहता है। कांग्रेस ने पहले भी लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सनातन पर बड़ा बयान दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सनातन का झंडा पूरी दुनिया में फहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सनातन विरोधियों पर वार। कहा सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुस्तान ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब। कहा चुनाव आते ही ये लोग मंदिर घूमने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजस्थान के राजसमंद पहुंचे, जहां उन्होंने नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के बाद मोती महल चौक भी पहुंचे, जहां अनुराग ठाकुर ने स्पेशल पुदीने की चाय पी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का मकसद भारत के हिंदुत्व को कमजोर करना और सनातन के खिलाफ काम करना। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना सायनाट से कर दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को सांप्रदायिक उन्माद और तुष्टीकरण की कोशिश बताया। साथ ही ऐसा करने वालों को इसका खामियाजा भुगतने की भी चेतावनी दी। रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देने वाले बिहार के मंत्री पर गठबंधन के साथ जेडीयू ने भी हमला बोला और चंद्रशेखर को धर्मग्रंथ पर अपनी राय अपने पास रखने की नसीहत दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए ड्रेस कोड होगा लागू। महिलाओं के लिए साड़ी और आदमियों के लिए धोती चोला पहनना अनिवार्य। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक इमारत की लिफ्ट गिरने से बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को किया गिरफ्तार। मामन खान पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने का है आरोप। हरियाणा पुलिस ने मामन खान को 2 बार समन्स भेजे थे, लेकिन मामन खान दोनों बार पुलिस के सामने नहीं हुए पेश। कांग्रेस नेता मामन खान की पेशी से पहले नू कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। कोर्ट परिसर में आम लोगों की आवाजाही पर रोक के साथ इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। मोनू मानेसर के मोबाइल से बड़ा पर्दाफाश। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था मोनू मानेसर। केरल में निपाह वायरस का एक और मामला आया सामने। कोशिकोड में निपाह के एक मरीज आया सामने, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर निपाह वायरस के बढ़ते मामलों पर कर्नाटक सरकार ने जारी किए निर्देश। लोगों से प्रभावित इलाकों में ना जाने की सलाह दी। केरल के बॉर्डर वाले इलाकों की निगरानी बढ़ाई। केरल के कोष्टिकोट में एक मस्जिद में दवा का छिड़काव किया गया। यहां पर निपाह के संदिग्ध मरीज का अंतिम संस्कार किया गया था। स्पेन की राजधानी माद्रिद की सड़कों पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जॉगिंग करते हुए दिखाई दी, जिसका वीडियो तृणमूल कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। अमेरिकी संस्था ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के मुताबिक 1,900
1960 के दशक के बाद पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय में चीन की तुलना में तेजी दिखी। यूएई के डिप्टी पीएम सैफ बिन जायद अल नहवान ने G20 समिट का एक वीडियो जारी किया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के इस वीडियो में पीओके को भारत में दिखाया गया। भारत में G20 की सफलता पर ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओनील की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नसीहत। शी जिनपिंग को भारत की एमएस समझते हुए पीएम मोदी से संपर्क करने की नसीहत दी। एसपी नेता आजम खान के घर पर आज भी आयकर विभाग के रेड। जौहर यूनिवर्सिटी रिजॉर्ट, आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम के शोरूम और एसपी विधायक नसीर खान के ठिकानों पर भी आयकर की छापेमारी। आजम के ठिकानों पर करीब दो दिन से छापेमारी जारी। कल आयकर के अधिकारियों ने प्रिंटर भी मंगाया था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह छापेमारी चल रही है। राजस्थान में आज से नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग है कि पेट्रोल डीजल पर वैट दर कम किया जाए। तेलंगाना बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली को बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर दिवस पर देश के इंजीनियर्स को बधाई दी। पीएम मोदी ने इंजीनियर और राजनेता सर एम विश्वेश्वरैया को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दिल्ली में पंडित दीनदयाल की 63 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले सैंड आर्ट के जरिए उन्हें बधाई दी गई। गांधीनगर में सैंड आर्टिस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा बनाई, जिसमें G20 और चंद्रयान 3 की सफलता को दिखाया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार ने नई दरार की खबर का खंडन किया। BKTC ने बताया कि ऐसे ही मरम्मत का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में NIA की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक आतंकी से कनेक्शन के चलते एक लड़की से करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी से संपर्क का है आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम से NIA ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। NIA रांची की टीम ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त एक आदमी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से सिम कार्ड, चाकू, ISIS का झंडा भी बरामद किया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की जमीन विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। राजस्व के दस्तावेजों में कब्रिस्तान दिखाने का है आरोप। याचिकाकर्ता की ओर से नई अर्जी की जाएगी पेश। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली। जमीन विवाद में पिता, बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या का आरोप। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर के बाद गांव में तनाव का माहौल। नाराज लोगों ने कई घरों को आग के हवाले किया। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में यात्रियों से भरी बस फंस गई, जिसे पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। बस में 53 यात्री सवार थे। राजस्थान के धौलपुर में मुफ्त मोबाइल फोन लेने पहुंचे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे पर उतरते समय एक चार्टर प्लेन हुआ क्रैश, जिसके बाद विमान में आग लग गई। प्लेन में सवार 6 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर में 2 लोग जख्मी हुए। पटना में महज 400 रुपए को लेकर दो पक्ष में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक लड़के की स्थिति इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मामूली विवाद में दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग जख्मी। VKC प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश आज तीसरे दिन भी जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। तलाश में इसराइल से लिए गए हेरॉन ड्रोन की ली जा रही है मदद। दुनिया के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर मारी बाजी। 76% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ बने दुनिया में नंबर 1। मॉर्निंग कंसल्ट का बड़ा सर्वे। विपक्ष की इंडिया गठबंधन ने न्यूज 18 समेत कई बड़े मीडिया समूह के 14 टीवी पत्रकारों के शो में अपने नेताओं को ना भेजने का लिया फैसला। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने फैसले को लोकतंत्र पर बताया चोट। NBDA ने की इमरजेंसी से तुलना। NBF ने की फैसला वापस लेने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष इमरजेंसी लगाकर कर रहा है मीडिया को कुचलने की कोशिश। आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दुकान में आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चीन के सिचुआन में एक एक्सप्रेसवे पर पुल बनाने के दौरान क्रेन गिर गया। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई। वहीं 5 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में कार में बंद एक 10 महीने की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची कार में करीब 7 घंटे तक बंद रही, जिसके बाद दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के सालनपुर इलाके में पेट्रोल भरवाने आए 3 लोगों ने महिला कर्मी पर फायरिंग कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। हमले में महिला बाल बाल बच गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने हथियारों समेत 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के अनवैया इलाके में ट्रक और जीप की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एम्बुलेंस किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बदमाश को पकड़ लिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। आगरा में नगर निगम ने सफाई कर्मियों को सम्मान देने के लिए अनोखी पहल की है। नगर निगम ने सफाई कर्मियों के मॉडल बनवाए हैं जिन्हें एक जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एसपी नेता आजम खान के करीबी एमएफ जैदी के ठिकानों पर लगातार तीसरे दिन आयकर के छापे। जैदी से ईडी भी जल्द कर सकती है पूछताछ। जांच में अरब कंट्री से फंडिंग के मिले हैं सबूत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पूर्व सीएम अन्नादुरई को श्रद्धांजलि दिया। पूरी सीएम की 115वीं जयंती। बिहार के दानापुर में तीन दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आसमानी बिजली की चपेट में आने से चार लोग हुए जख्मी। बिजली गाजियाबाद में एक मंदिर के पास गिरी। बिहार के मुंगेर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां एक लड़का तमंचा लहराता हुआ दिखाई दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेने पहुंची। दिल्ली के मालवीय नगर में कर्नल के पास के साथ मारपीट मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों पर 13 सितंबर को कर्नल से मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड और नगद रुपए लेकर फरार होने का भी है आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गैंगस्टर सौरभ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने सौरभ की 33,73,000 रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। दिल्ली के अंबेडकर नगर में घरेलू विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की। मृतक लीलाधर भट्ट सीआरपीएफ से असिस्टेंट कमांडेंट के पद से रिटायर हुए थे। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। राजस्थान के झालावाड़ में कुछ बदमाशों ने एक आदमी और उसकी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बिहार के वैशाली में मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। एशिया कप के सुपर फोर मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दी। 17 सितंबर को एशिया कप का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। एशिया कप सुपर फोर का आखिरी मुकाबला आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। मैच के दौरान बारिश की है आशंका। कोलंबो में आज 88% बारिश होने की संभावना। एशिया कप में खराब प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान की आईसीसी वनडे रैंकिंग को बड़ा झटका लगा। श्रीलंका से हार के बाद पाकिस्तान रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की वनडे रैंकिंग में सुधार हुआ है। टीम इंडिया दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। महासंघ ने ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए होने वाले टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान से छीन ली है। यह टूर्नामेंट अगले साल जनवरी में पाकिस्तान में होने वाला था। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में इमरान खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए गोपनीय दस्तावेज गलत तरीके से अपने पास रखे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। घायल लोगों को इलाज के लिए क्वेटा भेजा गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 कबीलों के लोगों के बीच जमकर फायरिंग हुई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के ठिकानों का पर्दाफाश हुआ। अमेरिका की तरफ से जारी की गई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पर्दाफाश हुआ जिसके बाद पाकिस्तान सरकार की आलोचना शुरू हो चुकी है। G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऐलान के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायब एर्दोगान से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक फंसे हुए हैं। 1 हफ्ते पहले दोनों देशों के सैनिकों के बीच फायरिंग हुई थी जिसके बाद से बॉर्डर बंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर लगे आरोप को व्हाइट हाउस ने खारिज किया। अमेरिकी संसद के स्पीकर ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए जांच की मंजूरी दी। मैक्सिको ने अवैध प्रवासियों को लेकर जांच तेज कर दी है। मैक्सिको में अधिकारियों ने 350 प्रवासियों को पकड़ा जो एक ट्रक से सफर कर रहे थे और मैक्सिको की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। मोरक्को के मराकेश में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसके बाद रेस्क्यू टीम में भगदड़ मच गई। पिछले हफ्ते 6.8 तीव्रता के भूकंप की वजह से मौत का आंकड़ा 3,000 तक पहुंच गया। इंडोनेशिया के मालुकु में बाढ़ ने जमकर तबाही मचा दी है। जो तस्वीरें आई उसमें चारों तरफ मटमैला पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान वहां खड़ी कई गाड़ियों में बाढ़ का पानी घुस गया। स्पेन के मुर्सिया में तूफान और बाढ़ से जमकर तबाही हुई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। इसके साथ ही लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एलोन मस्क की जमकर तारीफ की है और रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर हमला करने में यूक्रेन की मदद नहीं करने पर उन्हें धन्यवाद दिया। देश में थोक महंगाई में लगातार 5वें महीने में गिरावट दर्ज की गई। अगस्त में थोक महंगाई की दर 0 से नीचे रही। फ्रांस के बाद बेल्जियम ने एप्पल आईफोन 12 पर सवाल उठाए। बेल्जियम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एप्पल आईफोन 12 में तय सीमा से अधिक रेडिएशन का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने शादी की खबरों से किया इनकार। आयरा खान ने सोशल मीडिया पर लिखा वो अगले महीने शादी नहीं कर रही।
और एक्टर रियो कपाड़िया का 66 साल की उम्र में हुआ निधन। एक्टर ने चक दे इंडिया, हैप्पी न्यू ईयर और दिल चाहता है फिल्मों में अभिनय किया था। अनंतनाग में शहीद मेजर आशीष पंचतत्व में विलीन हुए। शहीद मेजर आशीष को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को देखकर उनके परिवार के छलके आंसू। लोगों ने मेजर आशीष के सम्मान में भारत माता की जय और शहीद मेजर आशीष अमर रहे के नारे लगाए। हरियाणा के पानीपत में शहीद मेजर आशीष के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। नम आंखों से लोगों ने मेजर आशीष को श्रद्धांजलि दी। राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान रवि कुमार को उनके दोस्तों ने श्रद्धांजलि दी। अपने गांव से आर्मी में जाने वाले रवि इकलौते जवान थे। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत का आज होगा अंतिम संस्कार। कर्नल मनप्रीत सिंह को मोहाली में अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की मां को बेटे की शहादत पर है गर्व। कहा, देश पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया, अब उनका बेटा हमेशा हमेशा के लिए लंबी छुट्टी पर चला गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में रिटायर सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर नारेबाजी की। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष को स्कूल के बच्चों ने श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के पानीपत में स्कूली बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकियों की तलाश के लिए इसराइल से लिए गए हेरॉन ड्रोन की ले जा रही मदद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड सोसाइटी रिजर्वेशन डे, जरूर बात करेंगे आपसे, बिल्कुल बात करेंगे आपसे, बिल्कुल। आप बहुत महत्वपूर्ण समाज के उस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है बोलने की। मैं उत्तराखंड हरिद्वार से आया हूं और हरिद्वार को शराब तस्करों से बचाना है, बिल्कुल बचाइए। और हमारे लिए क्या लाए हो? ला दो, गंगा जल की बहुत जरूरत है यहाँ पे। आराम से, बहुत आराम से। देखिए, मुझे मालूम है 24 तक आप जो हैं आप भी उतने ही बॉयलर पॉइंट पे बैठे हैं। बाकी लोग तो बैठे ही, आप लोग भी बैठे हैं। संयम रखिए और संयत रहिए, डिबेट को चलने दीजिए आराम से, और घर परिवार सब सुखी पूर्वक है। लोकतंत्र के आज लोकतंत्र का दिवस का मतलब ये थोड़ी ना था कि लड़ाई झगड़ा करने लगे आपस में। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा वर्ड नहीं बोलना था। हाँ, वर्ड नहीं बोलना था, मैं मानता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, देखिए चुपचाप खड़े रहिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक जी यहाँ पे कम से कम साल भर से आ रहे होंगे और कभी नहीं हुआ ऐसा। हुआ तो मेरे को चांस जरूर मिलना चाहिए, आइए प्लीज आइए जी। हाँ, सूरत से आए,
हाँ हाँ, सूरत से आप मुझे देखने आई हैं जी? नहीं प्रतीक भाई, मैं फिर से कहता हूँ कि हो सकता है मेरे से आवेश में कुछ शब्द निकल गया, मेरा किसी का आहत का, किसी के भावना का आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सवाल आज क्या है? सवाल ये है कि आपने वादा किया था, मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। अच्छा आप ऐसे बोलिए ना, बिल्कुल आप अपने शब्द को वापस लीजिए। नहीं वापस की, वापस किस चीज का? प्रतीक भाई मैंने बोल दिया। हाँ प्रतीक भाई मैंने बता दिया। एक मिनट एक मिनट भाई, उस मुद्दे पे मैंने जो बोलना था वो बोला। मेरा सवाल क्या है? फिर से बोलिए, रिपीट करिए। मैं वो फिर से बोलता हूँ कि हो सकता है मेरे से आवेश में कुछ शब्द निकले हों, मेरा किसी का, किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, किसी का भावना आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक ठीक है, मुझे किसी के, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से आहत करने का कोई नहीं है, क्योंकि जब वो शब्द ऐसा था जो कि डिस्ग्रेसफुल था। नहीं नहीं ठीक है, उन्होंने मांगी बात मांगी, डिस्ग्रेसफुल है। अब आगे अब उधर भी आने दीजिए, बहस में आने। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता को चुनौती देता हूँ कि अगर आपने पिछले 9 सालों में कोई एक काम किया तो फिर मुद्दे पे चुनाव लड़िए, जो 2014 में आपने वादा किया था देश की जनता से, जो 2019 में जनता से वादा किया था। आपने बोला था हम काला धन लेकर के आएंगे, उस मुद्दे पे चुनाव लड़िए। आपने बोला था महिलाओं का सुरक्षा देंगे, उस मुद्दे पे चुनाव लड़िए। आपने बोला था गैस का दाम 400 रुपए करेंगे, उस पे चुनाव लड़िए। आपने बोला था गैस पेट्रोल और डीजल का दाम 35 रुपए करेंगे, उस पे चुनाव लड़िए। आपने बोला था डॉलर 1 रुपए करेंगे, उस पे चुनाव लड़िए। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरे नेता को वो चुनौती देता हूँ, उस पे चौराहे पे खड़े होकर बोलिए हमने ये कार्य किया, इसलिए वोट दीजिए। अभिषेक जी, आपने कहा कि आपसे जो शब्द निकले वो आवेश में निकले, और मैं शब्दों के लिए किसी को आहत नहीं करना चाहता था। वेरी वेल एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये बहुत हीट मोमेंट होता है और इसमें ये हो सकता है, क्योंकि आप काफी समय से आ रहे हैं, आपके मुंह से कभी ऐसा नहीं निकला, तो अभी मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, चुनौती दीजिए आप, बिल्कुल चुनाव लड़ना है, INDIA को चुनाव लड़ना है तो चुनौती दीजिए, और बीजेपी वालों को, INDIA वालों को चुनौती दीजिए, INDIA वालों को चुनौती दीजिए, और INDIA वालों को चुनौती देके, आप की तरफ से चुनौती देके बीजेपी वालों को कहिए, सुनिए कि वो इन शब्दों पे जवाब दें, बिल्कुल दें। मैं आ रहा हूं नीति, आ रहा हूं जी। नहीं, इसमें अभिषेक जी और सुरेंद्र राजपूत की गलती नहीं है, इनके नेताओं की गलती है, लगातार डिफेंडर है इन्होंने, केजरीवाल इनके नेता है, केजरीवाल ने अदालत में गडकरी जी से हुजूर माफ कर दीजिए हमसे गलती हो गई, जेटली जी को ऊपर आरोप लगाया, अदालत गए कहा कि हुजूर माफ कर दीजिए गलती हो गई, मजीठिया के खिलाफ अदालत जब अदालत खुली तो कहा मजीठिया जी माफ कर दीजिए गलती हुई, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा गलती हो गई हुजूर माफ कर दीजिए, ये आरोप लगाते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं, जब हम अदालत जाते हैं हुजूर माफ कर दीजिए माफी पार्टी है, ये इंडी गठबंधन सिर्फ गलत आरोप लगाएगा और माफी मांग लेगा। ठीक नहीं, सुनिए चुनौती दी गई है, बैठ नहीं सकते हैं आप, बैठ आप नहीं सकते, मैं आपको दूंगा चांस दूंगा, चुनौती नहीं, चुनौती महंगाई भी इन्होंने दी, कल का डेटा इन्होंने नहीं देखा, 7 पॉइंट से 6 पॉइंट आ गई खुदरा महंगाई दर, अरे डेटा पढ़ लिख कर आया करो, केजरीवाल की पार्टी और राहुल गांधी के प्रवक्ताओं, डेटा कल आया। अब ठीक है, अब बात आई, कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ऐसा नहीं हुआ कि उनसे पास नहीं आया, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ, जनता का शो, जनता के पास जाना जरूर। रुको भाई, हाँ जी भैया, मैं एक गाने के साथ में शुरू करना चाहूंगा। गाना? अरे आज कहाँ टाइम है, आज उसी का दिन है, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं पर महंगाई डायन खाए जाते हैं, और महंगाई डायन कौन है, तो डायन ये बीजेपी वाले छे, आप मुझे बताइए क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है, क्या हर बार मैं बोलता हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अगर कुछ शब्द गलत कहे तो उसमें माफी मांग ली, माफी क्यों मांगी, क्योंकि झुकता वही है जो जो जिंदा है, अरे अकड़ता तो मुर्दा है, जो अभी अभी के शो में कहा गया कि 4 बीवी 40 बच्चे, उसमें माफी क्यों नहीं मांगी जाती। मैंने जो जिन्होंने कहा कि 4 बीवी 40 वो वार्निंग थी उनको, उसके बाद वो अनएक्सेप्टेबल है, मेरी डिबेट में वो अनएक्सेप्टेबल है। नीति शर्मा, यही विडंबना है,
हथियारों के प्रहार से इंसान मरते हैं, लेकिन जो शब्दों का प्रहार होता है ना, इसमें आत्माएं मरती हैं, मर्यादाएं मरती हैं। मैं किसी को नहीं, मैं आराम से, अभिषेक राजपूत का नंबर है, आप मेरे छोटे भाई हैं, विचारों का मतभेद हो सकता है, बहन के नाते मैं सारे ही पैनल गेस्ट और सारी देश की जनता से मैं ये आप जो आपसे निवेदन करती हूँ कि शब्दों का चयन कम से कम वो शब्दों का ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और हमको शीतल करे, आप ही शीतल होए, इसकी मर्यादा हम सबको करनी चाहिए। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। 17 आज सब आप सबको लोकतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सबसे पहले देश के 140 करोड़ जनता को। दूसरी बात, 17 तारीख को ऑल पार्टी मेंबर्स की मीटिंग होगी, जो ये स्पेशल सत्र 18 से 22 तक संसद का चलेगा, उसमें उसका एजेंडा लेके जाए आया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ विपक्ष से, विपक्ष को डर किस बात का है कि ये स्पेशल संसद क्यों आ रही है? ये जो मोहब्बत की दुकान के जो ठेकेदार हैं, ये अपनी दुकान पे जो नफरत की जो टीएमसी बोलती है, आज पंचायत चुनाव में 45 लोगों की हत्या होती है, क्या उस पर प्रश्न उठेगा? उससे भय है क्या? आपने तमिलनाडु से यात्रा प्रारंभ करी, तमिलनाडु के लोग सनातन संस्कृति के प्रति मुंह से तेजाब उगलते हैं, क्या उसके ऊपर आपको भय है? क्या आपको राजस्थान में जो महिला को जलाया गया उस पर भय है? क्या आपको कॉमनवेल्थ, आपको G20 से समस्या है, कॉमनवेल्थ के घोटालों पे अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको उसको? सवाल होने चाहिए। हुसैन आरोप नहीं लगा है, आप इतने कोई पानी के बतासा है क्या जो आप एकदम पिघल जाएंगे? कोई आरोप नहीं लगा। मैं आपसे एक, आपने जो सवाल किया कि आपको आखिर डर क्या है, अब सही है, आप सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना चाहिए आखिर आपको डर क्या है, बताइए सुरेंद्र राजपूत जी। थोड़ा समय दे दीजिएगा। बिल्कुल, आगे आइए जी। तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। बहुत आराम से जी। हल्ला नहीं, अजीब लग रहा है मेरे को कि देश के जवान सीमा पर शहीद हुए, ठीक है, कर्नल शहीद हुआ, कर्नल का मतलब आप समझते हैं, मेजर शहीद हुआ, कर्नल शहीद हुआ, फौज का क्या नाम, पुलिस का DSP शहीद हुआ और दो दो सेना के जवान शहीद हुए, 5 शहीद हुए। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा एक शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी के मुंह से क्या निकलता है? प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलता है 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री के मुंह से निकला, अभी निकला, सुनिए बाप, आप बीच में मत बोलिए, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है। प्रधानमंत्री के मुंह से लिखता कांग्रेस की विधवा, प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है विदेशी गाय और विदेशी बछड़ा, प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है पूर्व प्रधानमंत्री बीके हरिप्रसाद, प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है सुरपणखा, और प्रधानमंत्री जी उस पर माफी नहीं मांगते हैं। और उसके बाद मजबूर किया जाता है आज की डेट में कि कोई आदमी यहां पर अगर उसके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो पूरी हो कराने के लिए एक भीड़ इकट्ठी कर दी जाती। यहां पर मुद्दे हमारे क्या है? हमारे यहां पर मुद्दे, हम तो चुनौती देते हैं सब लोगों को, लाइए ना एजेंडा। एजेंडे की बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग आप क्यों नहीं कर रहे, उसके बगैर आपने कैसे? सुरेंद्र राजपूत जी, हाँ जी, 92 गाली दी है मोदी को। मैं तेली समाज से राठौर हूँ, तेली समाज से राठौर है, अंदर आइए। तो कहाँ से आना हुआ आपका? जिला मथुरा, वैसे लांगलोई से आया हूँ। नांगलोई से, तो मेरा तो न्योता गया होगा आपके पास। नहीं नहीं, मैं 3 दिन चक्कर काटे हैं फिर आप आए। हाँ। नहीं, हमने आपको बुलवाया नहीं था, नहीं, क्यों, रथ तो भेजा था हमने आपको। सुनो सुरेंद्र राजपूत जी, यहाँ कोई किसी को नहीं बुलाता, ना कोई यहाँ पे यूं ही आता, कोई किसी के पास मुद्दा ये, अगर आज आए हैं, मैं आपको सिर्फ जानकारी के तौर, क्योंकि आप डिबेट में यहाँ कम आते हैं, तो ये लगभग 3 दिन 4 दिन तक हो सकता आए, तो 5वें दिन नंबर आ जाए इनको बोलने का। कई, हाँ जी, पहला दिन नंबर आया, धनबाद झारखंड से हूँ। हाँ जी, धन पहले इनका आ गया था एक दिन। कोई किसी को नहीं बुलाता, स्वयं इकट्ठा होते हैं, स्वयं आते हैं, और ये तो आप लखनऊ में भी जानते हैं, अपने आप आते। कहाँ से आना हुआ आपका? नैनीताल से। अरे नमस्ते, थोड़ी ठंडक लाई है कि नहीं? आ तो बारिश हो गई यहाँ पे, थोड़ी ठंडक तो लाई। हाँ, आप लाई जब आई तो। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती। अरे सबसे बड़ा काम करती है, देश के भविष्य का निर्माण करती हैं, इससे बड़ा तो काम कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, सुरेंद्र राजपूत जी, जब सवाल वर्तमान में पूछा गया तो आपने उत्तर भविष्य जब दिया, उत्तर भूतकाल का, कि भूतकाल में यह कहा गया, आ रहा हूं। सवाल वर्तमान में आपसे पूछा गया कि आप घबरा क्यों रहे हैं,
और वो क्यों जवाब नहीं दिया गया ये मैं जानना चाहता हूँ। डिबेट में इन्होंने कहा कि आप घबरा क्यों रहे हैं, किस लिए घबरा रहे हैं, ये पूछा गया और आपने कहा पीछे का। ये जवाब मैं आऊंगा बिल्कुल आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। पूरी डिबेट में एक शख्स और है जो नहीं बोले जी। आपने कश्मीर की बहुत घटित जो घटना घटी उसकी बात की। इस केंद्र सरकार ने दो ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन जैकबूट और ऑपरेशन ऑल आउट। एक भी कैजुअल्टी होती है हमारे लिए दुख होता है, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 10 कैजुअल्टी हुई, इसके पिछले वर्ष सिर्फ 30, उसके पिछले वर्ष 40, लगातार कैजुअल्टी घटती जा रही है, लेकिन आतंकी 200, 185, 177, 176 ये मारे गए हैं। और भारत की सेना ने आपके समय में ओबामा कहते हैं आपके समय में ओबामा जी की किताब कहती है, अभिषेक भाई आप पे भी आऊंगा, अभिषेक ले लूंगा अभी आप पे भी आऊंगा, ओबामा जी की किताब कहती है कि ओबामा जी पूछते हैं मनमोहन सिंह जी से आपने 26/11 का बदला क्यों नहीं लिया, आप कहते हैं नहीं मुस्लिम वोटर पे गलत मैसेज चला जाता वोट के। सर ओबामा जी किताब में है, ये ओबामा जी की किताब है, ये कौन सी ओबामा की किताब है, ओबामा की किताब कौन सी होती है, ओबामा की किताब कौन सी है। अमित एक चीज मेरी, आप खड़े होइए, आप इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हैं, खड़े होइए। अमित मैंने आपको दूसरी वार्निंग दी है, आप गलत कोट नहीं करेंगे मेरे डिपार्टमेंट में या डिबेट में, और अगर करेंगे तो आप डिबेट के बाहर जाएंगे बिल्कुल। मैं कोई ओबामा जी कौन होते हैं, कौन ओबामा जी हो, कौन सी किताब उनकी, और उसमें कांग्रेस से क्या लेना देना। No, it's not acceptable. आज मैं नहीं पूछूंगा आपसे, नहीं पूछूंगा जी। एक तो इन्होंने आरोप गलत लगाए, मैं नहीं पूछूंगा अमिताभ से, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, गलत कोट करेंगे मेरी डिबेट में, नॉट एक्सेप्टेबल जी। एक तो सुरेंद्र राजपूत खुद भ्रष्टाचार करते हैं, इनकी पार्टी मोदी जी ने, इनकी पार्टी ने, इनकी सरकार ने फर्जी विधवाओं के नाम पर पैसा उठाया गया, वो भ्रष्टाचार था, उसका आरोप लगाया था, और यहाँ गलत कोट कर रहे हैं। और दूसरा, आपको बुरा क्यों लगता है सुरेंद्र जी, आपका तो चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा था, आपको बुरा क्यों लगता है, आप तो गाय बछड़ा का चुनाव चिन्ह रह चुका है, क्या बात करते हैं। अरे आप फिर अभी तो आरोप लगा रहे थे, अभी दिक्कत ही नहीं है, अभी आपको दिक्कत नहीं है, अभी आरोप लगा रहे थे, फर्जी विधवाओं के नाम पर पैसा उठाया गया कि नहीं, उसका आरोप था, और आप कहाँ लेके चले गए। मेरे जवाब ले लीजिए, अभी 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 एक कैजुअल्टी की बात कर रहे थे, इनके लिए कैजुअल्टी हो सकती है, हमारे लिए हमारे देश के नौजवान ने शहीदी दी है, जब वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर शहीदी हुई, यहाँ पे हमारे लोग इनके लोग जय जयकार के नारे लगवा रहे थे, ये इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। अभी न्यायालय की बात कर रहे थे, जिस न्यायालय ने आदेश दिया, जिस न्यायालय ने आदेश दिया उसी न्यायालय के खिलाफ कल अध्यादेश ला करके पूरे का पूरा संविधान चेंज करने का कार्य करते हैं, आप कौन सी राजनीति की बात करते हैं। मैं बहुत बहुत साफ करता हूँ, डिबेट में वही कोट किया जाएगा जो सही होगा, ऑथेंटिक होगा, और जिसको ऑथेंटिकेट किया जा सके, वो कोई किताब का कोई पन्ना मैं नहीं लूंगा जिसमें कहीं कोई, जितने बड़े मैं मानता हूं ये पॉलिटिकल सिस्टम में सारे देशभक्त हैं, आप किसी को कोई पैमाना लेके नहीं नापेंगे, इस देश की व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, और उसी के तहत चीजें बात होंगी जी। नहीं मैं आज आपसे नहीं लूंगा, और इसी वजह से नहीं लूंगा क्योंकि आपने गलत कोट किया जी। देखिए आम आदमी पार्टी के मेरे जो प्रवक्ता हैं वो देश में अभी जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी इनके साथ हूँ, पूरा देश हमारे शहीदों के साथ है, शहीद परिवार।